नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार की राजधानी पटना और उत्तर बिहार का गौरव मुजफ्फरपुर में रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा लॉन्च कर दी है। पटना साहिब से लेकर दानापुर तक और मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में अभी 5G का कवरेज मिलेगा। कंपनी का दावा है कि दिसंबर 2023 तक बिहार और झारखंड के हर कस्बे और हर गांव में जियो 5G उपलब्ध होगा। विराट कोहली को अकेले मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड देने पर गौतम गंभीर ने ऐतराज जताया है। गंभीर का मानना है कि मैं जानता हूं कि आप हमेशा बल्लेबाजों को प्लेयर ऑफ सीरीज पुरस्कार देने के लिए ललचाते हैं, लेकिन सिराज बिल्कुल असाधारण थे। गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, मोहम्मद सिराज विराट कोहली के बराबर थे, उन्होंने संयुक्त मैन ऑफ द सीरीज होना चाहिए। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला किया है। गया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपना जीत दर्ज करने के लिए भाजपा के लोग कभी भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, वह कोई भी बड़ी साजिश कर सकते हैं, इसलिए अभी से ही सबको होशियार रहने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। यह बजट मौजूदा मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा, जिसके बाद देश में नई सरकार के लिए लोकसभा चुनाव होने हैं। चूंकि यह चुनाव से ठीक पहले का बजट है, इसलिए निवेशकों, नौकरी पेशा, किसान, महिलाओं, युवाओं समेत सभी वर्गों को इससे काफी उम्मीदें हैं। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू और राजद के बीच तल्खी लगातार बढ़ते जा रही है। सीएम नीतीश के खिलाफ राजद विधायक सुधाकर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दोनों दल के नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री को हिजड़ा और भिखमंगा कहे जाने के बाद जेडीयू ने गहरी आपत्ति दर्ज की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2023 पेश करेंगी। शेयर बाजार से जुड़े जानकारों की माने तो साल 2023 के बजट में सरकार विनिर्माण, पूंजीगत सामान, रक्षा क्षेत्र, सस्टेनेबिलिटी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर अपना फोकस रख सकती है। इसमें से पब्लिक सेक्टर के बैंकों में खूब सारा निवेश आ रहा है, वहीं बाकी के 5 सेक्टर भी अपनी ओर निवेश को आकर्षित करने में सफल दिख रहे हैं। बजट के दौरान सरकार रेलवे को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र को लेकर की गई हरेक घोषणा निवेशकों के लिए अवसर लेकर आएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान को लेकर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर द्वारा दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया तो तेज प्रताप ने चुप्पी साध ली और कहा कि रामचरितमानस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक चीजें हैं। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वॉटेक्सा के आंकड़ों से मिली यह जानकारी है कि लगातार तीसरा महीना जबकि भारत के लिए रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। पहली बार रूस से तेल आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। नवादा कोर्ट में सूबे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने पर मंत्री के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता शहर के न्यू एरिया निवासी राजेश कुमार की ओर से यह परिवाद दायर कर शिक्षा मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खबरों के मुताबिक बीसीसीआई महिला आईपीएल के लिए फरवरी में ऑक्शन करवा सकता है। टूर्नामेंट मार्च में करवाने की योजना है। पीसीबी ने भी मार्च में ही महिला टी20 लीग करवाने का प्लान बनाया था, लेकिन बीसीसीआई की बड़े पैमाने पर की जा रही तैयारियों को देखते हुए उसने अपने लीग के नाकाम होने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में पीसीबी ने महिला टी20 लीग को सितंबर तक टालने का फैसला किया है। ट्रेनों की लेट लतीफी की यात्री ही नहीं बल्कि सांसद, जनप्रतिनिधि लगातार शिकायत कर रहे हैं। चौतरफा दबाव को ध्यान में रखकर रेलवे मंडल अब ट्रेनों की लेट लतीफी को दूर करने सभी जगहों पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने की तैयारी में जुट गया है। रेलवे मंडल के अधिकारियों का दावा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल लगने से ट्रेनों की लेट लतीफी काफी हद तक कम हो जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। रिजिजू ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आज अपने वाहनों के विस्तृत रेंज की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। कंपनी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत में तकरीबन 1.1% का इजाफा किया गया है। ये नई कीमतें आज से यानी 16 जनवरी 2023 से ही प्रभावी होंगी। हालांकि ये प्राइस हाइक अलग अलग मॉडलों पर भिन्न भिन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर से शुरू होगी। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग ले सकेंगे।
टीम इंडिया ने श्रीलंका को आखिरी वनडे में हराकर श्रीलंका को क्लीन स्वीप दिया है। आखिरी वनडे में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 391 रनों का टारगेट दिया था। चेज करने उतरी श्रीलंकाई टीम 73 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने इस जीत के साथ 3-0 से सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इसी के साथ भारत को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी मिल गई है। टीम इंडिया ने पहली बार किसी टीम को 300 से ज्यादा रनों से हराया है। भारत ने इस जीत के साथ ही 22 साल पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और अनिवार्य सरकारी कामकाज पूरे होने के बाद इस सत्र की समाप्ति 6 अप्रैल को हो सकती है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। हालांकि सदन की कार्यवाही 13 फरवरी को स्थगित हो जाएगी, लेकिन अस्थायी समितियों को मंत्रालयों विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने के लिए और उनकी रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए सदन की बैठक फिर से 13 मार्च 2023 को शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। किसान बेसब्री से पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कि इसी सप्ताह किस्त किसानों को मिल जाए। केंद्र सरकार भी किस्त भेजने को लेकर तैयारी में जुटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को अस्थायी जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छोटे शहरों में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में 1 फरवरी को बजट 2023 पेश करेंगी। भारत के प्रमुख शहर अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं और इसलिए कंपनियों को छोटे शहरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे भारत का और ज्यादा विकास होगा। भारत में इस वक्त विश्व हॉकी का मजमा लगा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी आयोजन इस वक्त भारत के ओडिशा में हो रहा है। पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन 16 टीमें सबसे बड़े खिताब के लिए जूझ रही है। इन सबके बीच पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से नदारद है। विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम और एक वक्त में हॉकी की सबसे मजबूत टीम पाकिस्तान लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सका। पाकिस्तानी हॉकी के दुर्गति पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसे भारत से सीखने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक जुआ है, इसके अलावा यह कुछ नहीं है और इसकी प्राइस सिर्फ एक छलावा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया और एक बार फिर इसे बैन करने की बात दोहराई है। उत्तराखंड का जोशीमठ इन दिनों सुर्खियों में। यहां की जमीन धस रही है जिसके चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ गई। अभी तक 148 भवनों को अनसेफ चिन्हित करते हुए से रहने योग्य नहीं माना था। इस बीच जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग उठ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का आगामी बजट 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश करेंगी। इसे लेकर देश के रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार के सेक्टर को कुछ नियम और टैक्स को समाप्त करने की उम्मीद है। इसे लेकर सरकार से कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये सेक्टर और तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी सहयोग करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। पिछले एक महीने से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले आज सोमवार को एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के मात्र 114 नए मामले सामने आए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के पहली विदेशी यात्रा के रूप में जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के 68 वर्षीय नेता प्रचंड ने प्रधानमंत्री के रूप में पिछले साल 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार बेलगावी की हिंडालगा जेल से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले की गहन जांच करेगी। दरअसल एक कॉलर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी के नागपुर कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था और उनसे 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मामले को गंभीरता से जांच करते हुए राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही इस मामले को सुलझा देंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। भारत के बिल भुगतान प्रणाली के तहत BBPOU को बिजली, फोन, DTH, पानी, गैस, बीमा, ऋण चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, शिक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल और नगर पालिका करों का भुगतान करने की सुविधा की इजाजत मिलती है। BBPS का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है। अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड RBI से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवाएं दे रहा था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोमवार को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर दिल्ली विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे। शहर में वायु प्रदूषण अक्सर दोनों दलों के बीच खींचतान का एक पॉइंट रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनावों के दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर अपना निशाना साधते हुए संकेत जरूर दिया है कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। आज से महाराष्ट्र के पुणे में 2 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होगी। यहाँ प्रतिभागी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के अलग अलग पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा के बारे में चर्चा करने के लिए भारत ने IWG सदस्य देशों, अतिथि राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में होने वाला है। उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार अपने वर्ल्ड कप जीतने के 11 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी। बतौर मेजबान टीम उसके पास अपने कंडीशंस में डोमिनेट करने का सुनहरा मौका है, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने एक चिंता व्यक्त की है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन मैच की टाइमिंग को लेकर परेशान है और इसमें बदलाव चाहते हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, प्रवीण कृष्णा, अर्पण कुमार, अखिलेश कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, अशरफी मंडल, MD नौसाद आलम, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजय चौधरी, अनवर करीम, अभिनेश कुमार, MD साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।